जय श्री कृष्णा। आज हम विद्यानाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का भाग अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन, जिसमें हमने संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है इसमें हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ा, सामाजिक न्याय पढ़ा, विविधता और अल्पसंख्यकों को सम्मान वाला मैटर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन में धर्म निरपेक्षता भी है, जो हमारा संविधान को एक राजनीतिक दर्शन है जो देता है जिसमें। तो ये क्या है धर्म निरपेक्षता? राज्य को धर्म को निजी मामले के रूप में स्वीकार करता है। धर्म निरपेक्षता अर्थ है कि धर्म निजी मामला है। क्या है? निजी मामला। किसका? निजी मामला है किसका? व्यक्ति का। किसका? व्यक्ति का। व्यक्ति का निजी मामला है। कहने का अर्थ यह है कि धर्म निरपेक्ष राज्य को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता प्रदान नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शुरुआत में धर्म निरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान धर्म हमेशा धर्म निरपेक्ष रहा है। हाँ, इस बात का यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म निरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा जाता है। हालांकि जो धर्म निरपेक्षता का मॉडल है भारतीय संविधान में, क्या भारतीय संविधान में जो धर्म निरपेक्षता का मॉडल है, धर्म निरपेक्षता है, निरपेक्षता है, वो पश्चिम से अलग है। इससे है पश्चिम से अलग है। क्यों अलग है? जब अलग अपना रूप बाद में पाठ आएगा धर्म निरपेक्षता, उसमें इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि पश्चिम का ये विचारधारा पश्चिम की है, पाश्चात्य विचारधारा है राजनीति में, लेकिन वहां इसका अर्थ अलग है। भारत का जो धार्मिक मामला है वो अलग है, या मुख्य धारा से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुख्य धारा में आना है, तो हमने उस धर्म निरपेक्षता के मामले को अलग रखा। फिर इसके बारे में राजनीतिक सिद्धांत में अलग पढ़ेंगे। पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ यह है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अनुरूप मामलों में अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे? राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, और ठीक इसी तरह धर्म को भी चाहिए वह राज्य की नीति में दखल नहीं देना चाहिए। पारस्परिक निषेध का अर्थ है दोनों को एक दूसरे से अपने संबंध अलग रखने हैं। धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य है जो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने की मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म और ताकतवर रहता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन पर नियंत्रण करने लगते हैं तो यह बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर के किस सुझाव पर जुड़ना चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस व्यक्ति के पास स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्यों से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। यानी जब राज्य धर्म को नियंत्रित करेगा या किसी संगठित धर्म को राज्य है जो प्रोत्साहन देगा, तो फिर सारी बाध्यताएं व्यक्ति पर लग जाएगी कि व्यक्ति को किस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, किस तरह से पूजा अर्चना करना चाहिए, यह व्यक्तियों के लिए आगे जाकर दुखदायी साबित होगा। इसी तरह राज्यों को भी चाहिए कि नागरिकों के अधिकारों को प्रदान करते हुए धर्म को आधार न बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च है, इस कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे सदस्यों से ज्यादा तरीज देता। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक माना गया और राज्यों को अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और धर्म को भी राज्य की। तो पश्चिम में ये तय किया गया कि चर्चों में अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग उनका तौर तरीका है, और उसके लिए हमने दो तरह के नियम अपनाने हैं कि धार्मिक समूहों को अधिकार देना चाहिए। धर्म और संगठन के लिए धार्मिक समूहों को अधिकार। क्या? धार्मिक समूहों को अधिकार। क्या है? अधिकार के द्वारा ये चीज कर सकते हैं। पहली बात, जैसा कि बताया, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के हक को उतना ही
जरूरी मानते थे जितना व्यक्तियों के बीच बराबरी। इसी कारण किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उस समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो तो एक दूसरे पर प्रभुत्व न हो और तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से होंगे। संविधान निर्माताओं ने देखा कि संविधान सभा में भी कई तरह के लोग थे, तो उन्होंने धर्म को इस तरह से देखा कि कोई एक धर्म का प्रभुत्व अन्य धर्म या धार्मिक समूहों के बीच न हो, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ना हो, बराबरी का संबंध होना चाहिए जिससे उन्हें बराबरी के अधिकारों के संबंध में जाने। दूसरा है राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। अब है राज्य को धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार, हस्तक्षेप करने का अधिकार, राज्य को धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार। अब देखो दूसरी बात यह है कि धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ है कि भारत के पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता है राज्य, क्योंकि राज्य अगर कोई धार्मिक समूह अपनी धार्मिक कट्टरता की वजह से अगर कोई धार्मिक समूह हस्तक्षेप करता है राज्य में, क्या करता है राज्य में हस्तक्षेप करता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए हैं जो राज्य भी धर्म में हस्तक्षेप करेगा और उन धार्मिक कट्टरता को खत्म करेगा। या फिर कोई धार्मिक संस्था को इस तरह से पैसा मिलता हो धर्म के नाम पर और वो उस पैसे को राज्य को तोड़ने के लिए या राज्य विरोधी गतिविधियों में संलग्न करे, तो फिर जो राज्य को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है राज्य को धर्म के अनुरूधी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। राज्य में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है, मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में वह धन दे सकता है। इसी तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है, बाधा भी पहुँचा सकता है। ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारत में धर्म और राज्य में अलगाव का अर्थ है पारस्परिक निषेध नहीं है, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत सैद्धांतिक दूरी है। क्या है राज्य की धर्म से सैद्धांतिक दूरी, ये नियम है सैद्धांतिक दूरी। सैद्धांतिक दूरी का अर्थ यह है कि राज्य धर्म से अलग नहीं होगा और नहीं धर्म को विशेष छूट होगी, लेकिन राज्य धर्म में कुछ हस्तक्षेप करेगा और बाकी कुछ मामलों में वो अलग रहेगा, उसको कहते हैं राज्य की सैद्धांतिक दूरी। तीन केंद्रीय विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा होगा। भारतीय संविधान का पहला है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि इन सब को एक जैसे समाज कहा गया जहां सामाजिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं दे सकता। दूसरा है संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना अफर्मेटिव एक्शन और प्रोग्राम्स के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्ध वचनबद्धता को प्रकट करना है और दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। कोई इस बात को भूल नहीं सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद प्रारंभ हुई और जबकि भारतीय संविधान इससे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया। और तीसरा है कि समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता के व्यक्तिवाद का अधिकार प्रदान किया है। इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो भारत की बहुसंस्कृति में निर्धारित है। फिर है सार्वजनिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। दूसरा हमारा राजनीतिक दर्शन है सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार हमारे संविधान की जो पहचान है वो है सार्वभौमिक मताधिकार। इसका मतलब यह है
कि हमारे यहाँ सबको एक नियम से है जो मत देने के लिए है जो अधिकार दिया गया है। दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। पहली है सार्वभौमिक मताधिकार के प्रति वचनबद्धता। अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। दुनिया के किसी देश ने शुरुआत में ऐसा नहीं किया है और हमने संविधान लागू होते ही इस चीज को लागू किया है, जबकि संविधान का एक ही ऐसा यानी एक्ट था, अधिनियम था, जो सर्वसम्मति से हाथों हाथ बगैर कोई चर्चा या वाद विवाद के पास हो गया था, वो यह था। खासतौर पर उस स्थिति में माना जाता हो कि जब भारत में परंपरागत ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार काफी देर से लिया गया। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज में अभिजात के तबके में लगभग जगह बना ली, इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा हमेशा से एक ऐसी राजव्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक उद्देश्य पर आधारित थी। सार्वभौमिक विचार मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के भी विचारों में से एक था, मूल विचारों में से एक था सार्वभौमिक। भारत के लिए औपनिवेशिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था। इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की कि प्रत्येक नागरिक अथवा भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। और नेहरू रिपोर्ट में भी ये तय किया गया था कि नागरिक की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए 24 वर्ष की आयु को हर व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भूसीमा में पैदा हुआ हो। राष्ट्रमंडल वह अधिकार सीमा या भूसीमा या वह क्षेत्र कहलाता है जो ब्रिटिश औपनिवेश के अधीन रहा है और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की हो अथवा जिसके पास इस भूसीमा में जन्मे हो या बस गए हो। इस शुरुआती दौर को नहीं सार्वभौमिक मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक माना गया है जो हमारे लिए जो अत्यंत जनता की इच्छा है। तीसरा है जो हमारा संघवाद। क्या है संघवाद? संघवाद पूर्वोत्तर से संबंधित जो अनुच्छेद 371 को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया है। हमारे यहाँ संघवाद में है कि सभी संघवाद है लेकिन 371 के तहत विशेष दर्जा है। क्या है? विशेष दर्जा किसको दिया गया था? पूर्वोत्तर को। किसको? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर को यह देना जरूरी था और यह असमान तोल भी हमने जरूरी था। संविधान का झुकाव केंद्र की मजबूती की तरफ है लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न निकायों में कानूनी हैसियत और विशेषता के महत्वपूर्ण अंतर हैं। अमेरिकी संविधान की संवैधानिक बनावट समतोल है। समतोल अमेरिका का जो संघवाद है उसका अर्थ है सामान्य। क्या है? समान रूप से सबको बराबरी का हिस्सा। लेकिन हमारा संघवाद कुछ अलग है। अनुच्छेद 371 ए में के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। ये अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। और 371 ए में ये है कि वहाँ पर नागालैंड की जो संस्कृति है उसको संस्कृतिक संरक्षण दिया गया है कि वो उसको अपना पहचान बनाए रखेंगे, लोग वहाँ जाकर नहीं बस सकते हैं ताकि उनकी पहचान बनी रहे। बहुत से प्रदेशों को विशेष दर्जे का लाभ मिला गया है और भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ ये असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है और वो विभिन्नताएं हमारी राष्ट्रीय पहचान है और एकता का प्रतीक है और भारत की सांस्कृतिक गौरव प्रथा है उसको बनाए रखना जरूरी है। हालांकि संविधान ने उनके मूल में ये बात नहीं कही जा सकती परंतु आज एक बहुत भाषिक संघ है
हर एक बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है कि उसके परस्पर बराबरी का दर्जा हो और लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद की सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के रूप में जोड़ना सफलता पाई। तो ये कल हम इसके आगे वाले जो राष्ट्रीय संघ के पहचान है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।